हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। फरीदाबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने होडल विधानसभा के करीब आधा दर्जन गांवों का दौरा कर ग्रामवासियों से कमल के फूल पर वोट डालने की अपील की। पूर्व मंत्री ने आगामी 14 अप्रैल को और गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सभा में आने का निमंत्रण भी दिया। इस मौके पर गांव और गांव के सरपंच ने गांव से ज्यादा वोटों से जिताने का आश्वासन दिया। कृष्णपाल गुर्जर ने मतदाताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत को मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है और वो है नरेंद्र मोदी। मोदी ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया और 42 सैनिकों के बदले 12 दिन से पहले 350 आतंकवादियों को उनके ठिकाने में ही भून डाला। मात्र 21 मिनट में बदला लेकर हमारे जवान पाकिस्तान से वापस आ गए और ये भी कहा गया कि 48 घंटे में चोरी की मोटरसाइकिल भी नहीं आती और मोदी के नेतृत्व में अभिनंदन को वापस देना पाकिस्तान की मजबूरी बना दिया था। और नरेंद्र मोदी ने आज भारत देश को 5 साल विश्व के 4th नंबर पर लेकर के खड़ा कर दिया और 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत कर प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही वे भारत विश्व में एक ताकत बन के उभरेगा। और भाजपा सरकार ने हरियाणा में गेहूं की फसल की नुकसान की भरपाई सबसे ज्यादा की है। जिला पलवल के किसानों को 200 करोड़ का मुआवजा दिया है और किसान को प्रत्येक साल 6000 रुपए खाद बीज के लिए दिए जा रहे हैं। मैं देश में ऐसा चुनाव देख रहा हूँ, ना जाति है, ना क्षेत्र है, ना गोत है। इन चोरों के हत्ते नहीं करने दिया और मोदी जी के रहते भारत के खजाने को कोई लूटने की बात को छोड़ दे, भारत के खजाने की तरफ कोई तक भी नहीं सकता, देख भी नहीं।